नमस्कार, आप देख रहे हैं TNX TV। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सभी सूरजपुर में मिले हैं। ये सभी बाहर से आए मजदूर हैं जो आज ही सूरजपुर पहुंचे थे। रैपिड टेस्ट में ये सभी पॉजिटिव पाए गए जो एक पॉजिटिव मरीज के संपर्क में थे। धमतरी के जालमपुर वार्ड में मिला कोरोना संदिग्ध मकान सील। धमतरी के जालमपुर वार्ड में एक कोरोना संदिग्ध मिला जिसके पास संदिग्ध परिवार को सहित पत्थरडीही रेफर किया गया। कोरोना संदिग्ध का मकान पूरा सील हो गया है। इस दौरान CMHO ने बताया कि पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। एम्स से रिपोर्ट आने के बाद कोरोना संक्रमण की पुष्टि होगी। जसपुर में संदिग्ध मरीज की रैपिड किट से टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव। फाइनल टेस्टिंग एम्स रायपुर में। जसपुर जिले में कोरोना का एक संदिग्ध मरीज मिला है। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे इस युवक की रैपिड किट टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक महिला नक्सली की मौत। 2 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई। वहीं पुलिस के 2 जवान घायल हो गए हैं। मुठभेड़ स्थल से एक SLR राइफल और 12 बोर की बंदूक बरामद की गई। घटना की SP मोहित गर्ग ने पुष्टि की। वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सराहा। वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 के नियंत्रण के साथ टेक होम राशन वितरण कार्य की प्रशंसा की है। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान नहीं रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जताया शोक। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान इस दुनिया में नहीं रहे। मंगलवार को कोलन इन्फेक्शन के चलते उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इरफान खान के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक जताते हुए कहा कि आपका मीडियम हिंदी हो या अंग्रेजी, अगर अपनी कला में निपुण है तो आप ही है असली चैंपियन। कोरोना के जंग में तेजस्वी का अनोखे अंदाज में नीतीश सरकार पर हमला। देश में बढ़ते कोरोना संकट के कहर के बीच राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट में लिखा, 5 ही तो काम करने थे बिहार सरकार को इस महासंकट में। अप्रवासी मजदूर के घर बुलाई, चुप कराना, भूख बच्चों की रुलाई, हर बिहारी को राशन और दवाई, सरकार इतना भी नहीं कर पाई। वित्त मंत्री के बाद केंद्रीय मंत्री का राहुल पर पलटवार। देश के बैंकों ने 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स का 68,607 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज देने पर कांग्रेस और मोदी सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी की इस आरोप से चकित हूँ कि मोदी सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। एक भी पैसा माफ नहीं किया गया है। कर्ज को बट्टे खाते में डालने का मतलब कर्ज माफ करना नहीं होता। राहुल गांधी को चिदंबरम से कर्ज माफी और कर्ज को बट्टे खाते में डालने में अंतर समझने के लिए ट्यूशन लेना चाहिए। डेविड वार्नर ने कहा, जुलाई में होने वाले इंग्लैंड दौरे की संभावना ना के बराबर। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर का मानना है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए उनकी टीम का इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दौरा करने की संभावना ना के बराबर है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो के अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। आइए आपको वास्तु के टिप्स बताएं। आप घर पे जहाँ पे भी आपका मुख्य द्वार हो या 3 दरवाजे एक सीध में हो, तो 3 दरवाजे जब एक सीध में होते हैं तो उसमें एक दोष आता है, उसके लिए आप विंड चाइम का उपयोग कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में वो घंटियाँ आपने देखी होंगी, विंड चाइम, ये सुर लहरी बोलते हैं इसको। इसको आप पर्दे के पास या खिड़की के पास हैंग करके रखें, उस पर हवा से वो अपने आप हिलता है और उसमें एक आवाज़ आती है जिससे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह होता है। तो आप देखिए, मार्केट में विंड चाइम मिलता है, आप ज़रूर उसको स्थापित करें।